दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके मोबाइल पर तहवील अल रजीब बैंक का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आपका मोबाइल बैंकिंग चालू है तो फिर आप कैसे घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल का बिल जमा कर सकते हैं, चाहे वह सिम एसटीसी का हो या जेन का हो या फ्रेंडली का या फिर वह सिम मोबाइली का हो। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा और सही से समझिएगा कि अपना बिल तहवील अल रजीब से कैसे जमा करेंगे। और अगर आप तहवील अल रजीब बैंक अपने मोबाइल रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आसानी से अपने मोबाइल पर तहवील अल रजीब को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राज टेक्निकल इन्फो। तो दोस्तों सबसे पहले अभी आप तहवील अल रजीब का एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें आप बिल अपना कैसे जमा करिएगा, चाहे वो एसटीसी रहे, मोबाइली, फ्रेंडी, किसी भी कंपनी का बिल आप कैसे जमा करिएगा मैं अभी आपको बताऊँगा। तो पहले मैं अपना तहवील अल रजीब को लॉगिन कर लेता हूँ। पासवर्ड आएगा मुझे बैंक से, जी हाँ पासवर्ड आ चुका है 2444। ओके दोस्तों, मैंने अभी अपना एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप किसी भी सिम का बिल आप कैसे जमा करिएगा। दोस्तों किसी भी सिम का बिल जमा करने के लिए सबसे पहले तहवील अल रजीब में से एक बार ऐड करना पड़ता है। एक बार जब आप ऐड कर लेते हैं फिर सेकेंड टाइम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ अमाउंट डालिएगा और आप पे कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट टाइम पहले आपको जो है बिल को ऐड करना पड़ता है। तो ऐड कैसे करिएगा आप किसी भी कंपनी का सिम को, तो सबसे पहले हम जाएंगे पेमेंट में, यहाँ पे लिखा हुआ ऐड ए बिल, ऐड ए बिल पर क्लिक करेंगे। जैसे मुझे मोबाइल का अपना बिल जमा करना है तो मैं यहाँ पे मोबाइल लिख के सर्च करूँगा MOB। देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया मोबाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बोला यार अकाउंट नंबर डालने के लिए, तो मैं अपना मोबाइल नंबर डालूँगा। ओके, मैंने अभी अपना मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। मुझे इसी नंबर का बिल जमा करना है दोस्तों। अभी नीचे लिखा हुआ बिल डिस्क्रिप्शन, मैं यहाँ पे लिख दूँगा मोबाइली। आप मोबाइली ले सकते हैं या अपना नाम ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मैं मोबाइली लिख लेता हूँ। ओके, मोबाइल लिखने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक बार नंबर कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, आप एक बार नंबर अपना कंफर्म कर लीजिएगा कि नंबर आप जो डालें वो सही है या नहीं। अगर नंबर आपका सही है तो फिर कंफर्म पर क्लिक करेंगे, फिर डन पर क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ यू हैव वन इन एक्टिव बिल। ओके, इस तरह से आपका भी आएगा सेम टू सेम। तो यहाँ व्यू लिखा हुआ, व्यू पर क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ डिलीट और एक्टिव, तो मुझे एक्टिव करना है अपने नंबर को, तो मैं एक्टिव पे क्लिक करूँगा। अभी दोस्तों आपके मोबाइल से एक OTP आ गया, OTP को आप उसमें डालना पड़ेगा। तो मेरा OTP आ गया, तो मैं अपना OTP डालता हूँ अभी। ओके दोस्तों, अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है बिल एक्टिवेट सक्सेसफुली, मतलब कि मेरा बिल जो है ऐड हो चुका है सक्सेसफुल। अब मैं डन पे क्लिक करता हूँ। ओके दोस्तों, आप देख सकते होंगे मेरे मोबाइल का बिल जो है प्रेजेंट में 245 रियाल का आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से दोस्तों आपका भी मान लीजिए मोबाइल है तो सेम टू सेम रहा है। अगर आपको मान लीजिए STC है, सेम प्रोसेस आपका भी रहेगा दोस्तों। जैसे ऐड ए बिल पर जाएंगे, ऐड ए बिल पर जाकर यहाँ पर STC सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ STC पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना STC नंबर डालिएगा, अब बिल डिस्क्रिप्शन में आप STC लिखिए चाहे नाम लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस नंबर आपको सही डालना है, गलत मत करिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अगर मान लीजिए आपको जेन का बिल जमा करना है तो फिर सेम टू सेम ऐड ए बिल में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे जेन। देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया जेन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी अपना जेन का नंबर डाल दिए, यहाँ पर बिल डिस्क्रिप्शन में जो आपका मन करता है उसको लिखिए, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है दोस्तों, बोलने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपके सामने मोबाइल का अपना बिल जो ऐड किया है उसी तरह से आपको भी अपना बिल ऐड करना होगा फर्स्ट टाइम में। जब आप एक बार बिल जब ऐड कर लीजिएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि आप बिल कैसे जमा करिएगा। मैं अभी आपके सामने अपना बिल जमा करूँगा दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ 245 रियाल,
मैं ये अपना बिल अभी आपके सामने पे करूँगा, आप इसी तरह से अपना बिल, आपका जो भी कंपनी का बिल रहेगा आप इसी तरह से अपना बिल जमा कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो बनाऊँ दोस्तों, तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप एक लाइक भी करिएगा। दोस्तों आपके द्वारा मेरा वीडियो लाइक करने से या मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, ना ही आपको कोई पैसा पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों के ऐसा कर देने से दोस्तों मुझे मोटिव मिलता रहता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसका बिल कैसे जमा करेंगे। तो मैं अपना मोबाइल का बिल जमा करने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपका कोई HTC या ZEN या फ्रेंडी किसी, तो सबसे पहले अपना बिल ऐड कर लीजिएगा। बिल ऐड करने के बाद में तो फिर हम यहाँ पे माई बिल पे क्लिक करेंगे। पे माई बिल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो भी बिल ऐड रहेगा आपके सामने शो होने लगेगा। जैसे आप देख सकते होंगे मेरे यहाँ पे दो बिल ऐड है, एक है HTC पे का, दूसरा जो मैंने अभी आपके सामने मोबाइल का बिल ऐड किया है। तो मैं अभी मोबाइल का बिल जमा करना चाहता हूँ और 245 रियाल का, यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ सेलेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा अमाउंट शो होने लगा है कि मेरा 245 रियाल का बिल है जो मुझे जमा करना है। सिंपल मैं यहाँ पे में क्लिक करता हूँ। अभी आपको कंफर्म बिल शो होने लग गया दोस्तों। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका अमाउंट, यहाँ पे नीचे भी आपका अमाउंट लिखा हुआ है। ओके अब मैं पे पर क्लिक करूँगा। ओके दोस्तों मेरा पेमेंट सेंड हो चुका है। देखिए अभी मेरा जो बिल है मैंने बिल अपना जमा कर दिया हूँ। अगर आपको पेमेंट डिटेल चाहिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ शो पेमेंट डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करिए। देखिए दोस्तों मुझे मोबाइल से भी अभी भी मैसेज आ चुका है कि मैंने अपना बिल जमा कर दिया। अभी आप देख सकते हो दोस्तों मेरा मोबाइल का जो भी बिल है अभी 00 हो चुका है, मतलब कि मैंने अपना बिल जो है जमा कर दिया हूँ। ओके दोस्तों अब मुझे लगता है दोस्तों अब आप भी आसानी से अपना बिल जो है जमा कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए दोस्तों कोई भी बिल जमा करने से पहले आपको जो है बिल यहाँ बिल पहले ऐड करना पड़ता है, बिल ऐड करने के बाद में आप उसका पेमेंट जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आप जान पाए हैं कि अपना तहवील अलर्जी के अकाउंट से अपना किसी भी सिम का बिल कैसे जमा कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों लाइक करिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो नीचे दिए गए रेड कलर बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक करिए और उसका नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।